गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ खिल ब्लेज, जो कि वहाँ कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज किया है वहाँ का पंचायत लीडर, जो तो मुझे बुलाया गया है। तो मैं यहाँ से अभी निकलूँगा और देमुख से एक दोस्त को भी लेके जाऊँगा। तो गाइस, तो मिलते हैं वहाँ पर। ओके बाय। तो ये है दोस्त का घर, उसका गेट अभी पहुँच गया है। तो अभी हम दोस्त का घर जाके दिखता है। तो रेडी हो गया? तो चलो आज हम लोग सकाली खेले चलते हैं। बस्ती ना? तो चलिए। अभी हम दोनों यहाँ से देमुख में ना, अभी तो कितना घंटा तक पहुँच जाना चाहिए वहाँ? तो हाफ एन आवर्स में होना चाहिए। हाफ एन आवर्स 40 मिनट शायद मेरा बस्ती तक की बोले तो तरु सर्कल। ठीक है, हम दोनों तो अभी दोस्त हम दोनों पिकअप करके अभी यहाँ से देमुख में अभी यहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ से अभी बस्ती खिल है। खिल जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक बहुत ही छोटा सा एक गांव है। तो आज वहाँ जो है बस्ती वाला ने कुछ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज किया, बस्ती का पंचायत लीडर लोगों ने। तो हम दोनों भी यहाँ से अपना प्रोग्राम अटेंड करेगा, बोल के सोशल सर्विस अटेंड करने के लिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ कितना बजे तक पहुँचते हैं। अभी लग बजे पक 9 बजे, अभी 9 बज गया। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हम दोनों वहाँ 9:40 पहुँच जाना चाहिए। तो ठीक है, आगे रास्ता में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नज़ारा मिलता है, तो अच्छा अच्छा अगर नज़ारा दिखाई देंगे तो वहाँ कुछ वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरफ आगे जाएंगे सगाली, आपका सपा निकलेंगे, जीरो भी जा सकता है। तो इसी रास्ते से हमारा बस्ती भी वहाँ मिलेंगे। तो यहाँ अभी पेट्रोल पंप में कुछ पेट्रोल डालेंगे। अभी यहाँ से कुछ व्यू है जो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। अंदा हुए यहाँ कुछ व्यू मिल गया है। पूरा जंगल ब्लॉक हो गया ना, जंगल से ब्लॉक पकड़ा ये आकाश हो गया कका। तो यहाँ से कुछ व्यू है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ से वो देखो, आप व्यू देख सकता है यहाँ से, जो रिवर जो है बड़ा नदी, जो पारे रिवर को दिखाई देता है। तो ये है होज। तो सीधा यहाँ से आपका ये जीरो चला गया, जीरो दापोरिजो, और यहाँ से टर्न लेफ्ट टर्न आपका सगाली, सगाली जाएंगे और सपा जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ किसंग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से चलता है ना।
पायलट साहब कुछ कहना है आपको? अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, क्या कहेगा। ओके तो ये मेरा पायलट ड्राइवर का कहना है कि कुछ कहने के लिए नहीं है, अभी ड्राइविंग को कंसंट्रेट करेंगे। ओके जाके कुछ ये लेंगे बस्ती वाला के लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके जाता है। और ये है गरम मार्केट, बोलता है गरम मार्केट। तो यहाँ एक्चुअली पेप्सी लेने आया था, स्टॉक में नहीं है वाला है, तो कुछ यहाँ से अभी पावर पी के निकलेंगे। तो आगे और दुकान है उसमें देखेंगे पावर। ये है ग्राम मार्केट, आप देख सकता है। तो यहाँ अभी कुछ बता रहा था, यहाँ में बाइक का ग्रेज मिलेगा, गाड़ी पसने से ग्रेज बाइक मिलेगा, और जो होटल्स ये चाहे होटल में मिल जाएगा, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, आगे जाके लोकल गाइस। जैसे मेरा दोस्त बता रहा था कि आप कभी यहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है होने से, और सगाल एरिया आता है होने से, यहाँ एक छोटा सा एक मार्केट है ग्राम बोल के, आप यहाँ रुक सकता है। और यहाँ में कुछ कुछ ब्रेकफास्ट, लंच, रोटी, खाना वगैरह, चाइनीज आइटम सब कुछ मिल जाता है यहाँ में। तो आप यहाँ इंस्पेक्शन बंगलो भी है, तो आप वहाँ भी ठहर सकते हैं। और ये देखो यहाँ का गरम मार्केट का, यहाँ एक लोटा ग्रेज है, आप गाड़ी वगैरह बना सकता है। खराब हो गया, आप बताए तो क्या बनाते बोला यहाँ में? यहाँ में चार प्रकार का, हाँ, पंचर, स्कूटी, बाइक, इंजन, पूरा गाड़ी भी बना लेता है, गाड़ी का वायरिंग छोटा मोटा, वायरिंग छोटा मोटा, और जनरली पंचर बना, जनरली पंचर, बाइक को तो पूरा बना लेता है, बाइक और स्कूटी पूरा इंजन पूरा बन जाता है, पूरा बन जाता है। यहाँ में मिलते हैं लोकेशन तो ग्राम मार्केट, ग्राम मार्केट ना। तो गाइस आप कभी यहाँ अगर आता है बोलने से, खील में आता है बोलने से ग्राम में, तो आप यहाँ जरूर आपका गाड़ी अगर जल्दी ख़राब हो गया या पंचर हो गया तो आप यहाँ बना सकता है, ठीक है। ओके गाइस तो मिलते हैं वहाँ। तो अभी हम बस्ती पहुँच गया, ये देखो आप नज़ारा, ये मार्केट ओल्ड मार्केट ना, ओल्ड मार्केट है। यहाँ पहले गाड़ी यहाँ से सगाली रोड जो है यहाँ से होके जाता था, पर जब से हाईवे बन गया तो ये अभी मार्केट ऐसे ही रह गया, यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी इतना नहीं गुजरता है, तो बस्ती वाला ही यहाँ में है। और ये देखो यहाँ में ये जो बिल्डिंग देख रहा है ऊपर में, ये इंस्पेक्शन बंगलो है, आईवी पीडब्ल्यूडी का है। अब जब भी कभी यहाँ अगर आता है इस तरफ, तो आप यहाँ होल्ड कर सकता है, यहाँ रात को होल्ड कर सकता है, कम से कम 8-9 रूम तो होगा शायद, आप वहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो ये सगाली एरिया का ओल्डेस्ट स्टील ब्रिज है, तो अभी बस्ती वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कहा गया है कि
आज सुबह 8 बजे से शुरू करेगा बोल के, तो इसलिए हम दोनों भी आया है। हम मैं नाहरलगन से आया और दोस्त को देमुख से उतार के लेके आया। तो कैसी दोपहर? तो अभी यहाँ अभी यहाँ से हम लोग पेप्सी ले जाएंगे थोड़ा बस्ती वाला के लिए। तो यहाँ पर तो ये देखो पेप्सी, तो बस्ती वाला को पिलाएंगे आज। बिस्कुट भी ले जाएंगे। तो ये देखो पेप्सी हो जाए। ये दोस्त भी यहाँ से कुछ बिस्कुट वगैरह पा सकता है। आप क्या ले दे रहा है बस्ती वाला के लिए? बस्ती वाला जो काम कर रहा है बोला है, बहुत सुन के अच्छा लगा है। तो नीचे से आते आते जिसको कुछ कुछ ले दे रहे हैं अपना बस्ती का दुकान से। तो ये मेरा एक धरती है, ये तो ये को पेप्सी वेप्सी लेके जा रहे हैं काम करने के करने वाला के लिए। बहुत गर्म भी है कुछ बने नहीं। तो अभी हम दोनों यहाँ से ले लिया। हाँ चलो चलते हैं, अभी उधर काम का साइड में जाएगा। अभी यहाँ से हार्डली 200 मीटर होगा, कुछ 200 मीटर दूर में ही बस्ती वाला लोग काम कर रहे थे। हम दोनों वहाँ अभी निकलेंगे। ये सामान पेप्सी को ये दोस्त अभी यहाँ से पेप्सी को लगाएंगे। ओके, तो वहाँ मिलते हैं आप सभी को।